क्या बोल रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। इस बात को कितना बार बोले सर, एक बार तो बताएं कि हम लोग का आदेश है नो पिक्चर नो सेल्फी, आप वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतन चौधरी, बाइक्स वे के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैं कुछ दिन से अभी दरभंगा बिहार में हूं और अपने फैमिली के साथ हूं। जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था उसको हील करने के लिए बेड रेस्ट ले रहा हूं, एंड डॉक्टर्स की सलाह भी यही थी कि आप बेड रेस्ट में रहेंगे तो आपका जल्दी हील होगा। जनवरी बीत चुका है, मैंने बहुत कुछ सोचा था 2022 में अपने लाइफ में करने को, बट बहुत चीज़ रुक गई है। मुझे पता है आप लोगों को भी मन हो रहा होगा कि मैं बाहर जाऊं, एंड इनफैक्ट मुझे ही नहीं सबको हो रहा है, मेरे मम्मी पापा को भी हो रहा है, वो जाए और एक्सप्लोर करे एंड आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। बहुत दिन से मैं बेड रेस्ट पे था एंड मैं सारी डाइट फॉलो कर रहा था, मैं सारे मेडिसिंस ले रहा था, मतलब एक एक चीज़ जो मुझे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था हर एक चीज़। जब 15 दिन बीत गया तो मेरे को चलने में दिक्कत हो रही थी। कल मेरे मन में ख्याल आया कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हम लोगों को एक बार एक्सरे करा के देखना चाहिए कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। एंड मैं मतलब कंटिन्यू गर्म पानी में पैर को डुबो के रखता था कंटिन्यू 15-20 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम। तो कल मैंने सोचा कि एक बार एक्सरे करा के देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आता है एक्सरे में, सच में हील हो चुका है या। तो जब मैं एक्सरे हुआ, एक्सरे रिपोर्ट देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे जो मिडिल फिंगर में हेयर लाइन क्रैक था वो क्रैक अभी तक है ही। कैसे दिखाऊं, अंगूठा बहुत ज्यादा जो टूट गया था उसके बगल वाला मतलब थर्ड वाला, विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा ही एक्सरे है क्या। मैंने भैया को बोला, मतलब जो एक्सरे कर रहे थे, कि भैया देख लीजिए फिर से एक बार कर लीजिए कहीं मतलब गलत रिपोर्ट आ गया हो। तो बोला नहीं गलत रिपोर्ट नहीं आता, फिर भी अगर आप एक बार बोलते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से दिखवाता हूँ इस चीज। तो मैंने बोला नहीं कुछ मत दिखाइए, मैं मेरे को घर जाना, 60 डेज से ऊपर हो चुके हैं एंड मेरा अभी तक अगर हील नहीं हुआ, थोड़ा अच्छा जगह पे मैं जाके इलाज कराऊँ, मतलब अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ जाके एक्सरे ही नहीं कराऊँ, वहाँ जाके MRI कराऊँ और देखूँ कि अंदर क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ केयर करने के बाद मेरा मतलब हड्डी टूटा हुआ निकला फिर से वापस से। इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, मेरे को भी मन है कि मैं बाहर जाऊँ घूमने एक्सप्लोर करूँ एंड सब कुछ करूँ, लेकिन बाउंडेशंस मेरे साथ भी हैं। स्क्रीन पे जो रिपोर्ट आया था एक्सरे का, उसको डॉक्टर सचिन गोयल को भेजा, सचिन भाई ने बताया कि ये तो टूटा हुआ है एंड अभी तक हील नहीं हुआ, ये बहुत आश्चर्यजनक। या फिर अगर आप बेटर इलाज चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं MRI करके एंड एक बार एक्सरे देखते हैं हम लोग यहाँ पे लाइव करके कि क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो ऑपरेट करके वायर लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं K-वायर या फिर पता नहीं पिन बोलते हैं ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो अभी तक तो डर लग ही रहा है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पैर जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद जो भी प्लान्स हैं, फिलहाल मैंने 7 तारीख का पटना एम्स में नंबर लगवा लिया है एंड पटना एम्स में ऑर्थो डिपार्टमेंट में एक बार दिखवाते हैं क्या निकल के आता है, उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा, यानी कि दिल्ली के तरफ मूव करूंगा। तो प्लान में कोई चेंजेस नहीं है, वही सारे रूट्स पे मैं आगे मूव करूंगा अपनी बाइक को लेकर के। एंड इवन सोचिए ना, अभी आप मेरी BMW उतनी वहां लगी हुई है, 60 डेज हो गए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 दिन में BMW कहीं ब्रेक डाउन होकर रखी हुई है, मतलब ओके ठीक करवा के उसके बाद ब्रेक डाउन कराना पड़ा। एंड इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मैं किसी को, मतलब सिचुएशंस ऐसा हो गया कि मैं इतना प्रॉब्लम में फंसते जा रहा हूँ एंड ऑल, ना ही मेरे साथ ये कांड होता, मतलब जो हुआ मेरे साथ पटना में, और ना ही मैं बाइक को अभी ले जाता दिल्ली, और ना ही मैं फिर वापस भाग दौड़ करके अपनी दीदी के शादी में आता। ये सब चीज़ सोचता हूँ तो बोलता हूँ कि भगवान ऊपर वाला देख रहा है सबको, सबको ऊपर वाला मतलब हिसाब करके भेजता है, तो बहुत गंदा सिचुएशन में फंसा दिया है। वैसे जिस लोकेशन पे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ वो एक वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यस गाइज, दिस इज LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन बिहार। यहाँ पे राजा जो रहते थे, जिनका ये पूरा किला है पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, वो इंडिया के पहले ऐसे एविएशन कंपनी थे, अपना एयरक्राफ्ट अपना रेलवे चलाते थे, जो उनका अपना एविएशन कंपनी था दैट वॉज दरभंगा एविएशन, एंड उनका अपना एयरपोर्ट था, अपना एयरबेस था, सब कुछ अपना था। हेयर यू कैन एक्सप्लोर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज स्टेडियम, देखिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ का। बिहार में अगर 5 सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह होगी तो वो दरभंगा का ये राज, यानी कि LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। अभी काफी ठंड है, हवा चल रही है, वैसे धूप होता है तो पूरा लाल एकदम दिखाई देता है, एंड वो सामने मिथिला पेंटिंग है, ये उस जमाने के पूरे पिलर्स हैं एंड वॉल्स पे मिथिला पेंटिंग हाथ से बनाया गया, एंड दिस इज रियल मिथिला पेंटिंग। एंड ये रास्ता है जैसा आप लोगों को नालंदा राजगीर में दिखता होगा, यहाँ पे आके आप बहुत इंजॉय करोगे। आप एक दिन लेके आना जब भी आप दरभंगा घूमने आना, यहाँ से आसपास की चीजें मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो पूरा कैंपस है ना दोस्तों, राजा के सिक्योरिटी के लिए वॉल बनाया गया था, एंड वॉल जो है वो लाल किला से भी ऊंचा है, वो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, पीछे है वॉल। दोस्तों काफी ज्यादा ठंड है और अचानक से अभी टेम्परेचर डाउन हुआ है,
मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों जो पूरा LNMU कैंपस है वो पूरे तरीके से नेचुरल है एंड पूरे तरीके से, दोस्तों ये जो पूरा दोस्तों LNMU कैंपस जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल है, इसीलिए अभी तुरंत में टेम्परेचर, सेल्फी नहीं ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाना तो नहीं है सर, बैठ जाइए। यहाँ पिक्चर सेल्फी लेना मना है, वीडियो बना रहा है। आदेश नहीं है सर, बैठ जाइए सर। आदेश नहीं है, बात का फॉलो कीजिए। अरे आप, हम इसके बारे में बता रहे हैं भैया, अंकल हम आपसे ये कह रहे हैं वीडियो नहीं बनाइए, पिक्चर सेल्फी लेना मना है, हम लोग का आदेश है। क्या बोल रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। इस बात को कितना बार बोले सर, एक बार तो बताएं कि हम लोग का आदेश है नो पिक्चर नो सेल्फी, आप वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों पूरा LNMU कैंपस जो है वो नेचुरल है, नेचुरल इट मींस कि यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि आपको यहाँ पे आके मतलब गर्मी में भी ठंडी का एहसास होगा। पहले ये राजा का घर हुआ करता था एंड अभी ये LNMU यूनिवर्सिटी में ऑफिस में बदल गया है। ये पूरे ऑफिसेज हैं, ये देखिए पूरा, सो दिस इज फ्लावर गार्डन। ये बनाया गया पहले, ये नहीं, काफी सारे फ्लावर्स हैं। अभी आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वो जगह जहाँ पे राजा, मतलब सेंचुरीज पहले राजा अपने प्रजा से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, फिर उनका निदान करते थे। जो अंकल मुझे रोक रहे थे उनको मैंने बताया कि देखिए अंकल, मैं दरभंगा से ही बिलोंग करता हूँ, मैं बिहारी हूँ एंड मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसे आप मुझे मत ट्रीट करिए कि मैं बाहर से आया हूँ, दूसरे देश से आया हूँ, तो आप वीडियो मत बना दीजिए। पहली बार दरभंगा का वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ बनाने दीजिए, ये मेरा चैनल है, आप लोग देख लीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं पहचानते थे, अब पहचान गए, आप वीडियो बना सकते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे राजा यहाँ पे खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, जो भी उस टाइम में हुआ करता था। एंड ये चारों तरफ प्रजा बैठती थी तो जितने भी समस्या होता था वो पूरा सुना जाता था। उस टाइम में सोचिए इतना बड़ा जगह था, इस एक चक्कर मारने में पूरा समय लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रजा जो है वो राजा से काफ़ी दूर बैठती थी तब भी आवाज़ पहुंचता होगा। सोचिए उस टाइम में, उस जमाने में कितना कम साउंड पॉल्यूशन होता होगा, कितना ज़्यादा शांति होता होगा। एंड यही वो राजा थे, कामेश्वर सिंह नाम था इनका। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है पूरा पूरा मूर्ति पूरा रोटेट करता था। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, LUIGI, पता नहीं ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंटोनियो कैरिस्टियाटो नाम से लिखा हुआ है। एंड यहाँ से जो सामने फ्रंट फेसिंग है वो पूरा दिखता था राजा को, आगे दूर दूर तक कि कौन आ रहा है। एंड इस तरफ का जो फेसिंग है वो है किला वाला फेसिंग। दरभंगा एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर दरभंगा को ठीक तरीके से एक्सप्लोर किया जाए तो 5-6 एपिसोड्स लग जाएंगे। इस LNMU कैंपस को ही एक्सप्लोर करने में इतनी सारी रहस्यमय चीज़ें हैं ना, मतलब महाराज जहाँ पे नहाते थे वहाँ स्विमिंग पूल है, रेलवे स्टेशन अपना कहाँ है महाराजा का, अपना एयरपोर्ट कहाँ पे है। जब मैं बैडमिंटन की प्रैक्टिस किया करता था तब इसी ग्राउंड में दौड़ता था मैं, इसके 11 चक्कर लगाता था स्लो, मतलब नॉर्मल स्पीड में, एंड एक चक्कर लास्ट का स्प्रिंट लगाता था मैं। टोटल 12 चक्कर का मेरा रिकॉर्ड है इस पूरे ग्राउंड का, देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को किला के पास ले चलते हैं। सो हम लोग आ चुके वन ऑफ द ओल्डेस्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। यस गाइस, ये भी महाराजा का ही पूरा घर था एंड देख सकते हो कितना ज्यादा शानदार। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पे विजिट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना पाया। एक ही रोड जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेट है बीच से डिवाइडेड है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं और उधर LNMU हो जाता है। एंड ये भी उतना ही बड़ा कैंपस है जितना बड़ा LNMU का कैंपस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी अलग से प्लेग्राउंड है, इसमें भी तमाम चीज़ें और सुविधाएं हैं। महाराजा के पापा थे सर लक्ष्मेश्वर सिंह, उनके बेटे थे कामेश्वर सिंह। यस, वहाँ जैसा पार्क था यहाँ भी ऐसा ही पार्क है। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। ऊपर जो घंटा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो घंटा बजता है अभी भी स्टिल, एंड उसको रिपेयर कराया गया, अभी भी बजता है। एंड रात को जब भी घंटा, मतलब एक घंटा होता है तो पूरा जोर का आवाज़ करता है, एंड मतलब भूतिया टाइप सुनाई देता है हर जगह। सो दिस इज ऑल्सो अ सीक्रेट प्लेस इन दरभंगा एंड लुक, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो जगह है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्लेसेस में से आता है दरभंगा के अंदर। एंड ये किला जाने के रास्ते में ही आता है, ये बहुत बड़ा तालाब है। बहुत सारी प्रवासी पक्षियाँ जो टूर करने आती है इंडिया, वो भी यहाँ पे आके स्टे लेती हैं। एंड यही रास्ता है वहाँ पे जा रहा है किला, तो हम लोग अभी किला के पास ही चल रहे हैं। कितना अच्छा नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ से,
कितना बड़ा तालाब है। फाइनली वी आर एट किला। यही वो किला है जो दरभंगा की शान भी बोला जाता है। इसका जो हाइट है ना वो लाल किला से भी ऊंचा है। तो सोचिए कितनी सारी चीजें हैं हमारे बिहार में एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं भी खुश हो गया पूरा कैंपस घूम के और आप लोगों को दिखा के। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, कौन सा प्लेस सबसे अच्छा लगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल बाइक्स वे। मैं 2-3 दिन अगर यहाँ पे और रहा तो मैं और चीजें दिखाऊंगा यहाँ की खुफिया खुफिया चीज। बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, नमस्ते।